रहे हैं क्योंकि ईद की तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। सारे फजल के प्रेडिक्शंस नहीं करूँ, अरे मेरी प्रेडिक्शंस हैं। ऐसा मैं बैठ चुकी हूँ बाइक के ऊपर, मैं चलाऊंगी बाइक काफी अर्से बाद। गाइस हमें कौन मिला है यहाँ पे शॉपिंग करते करते, मोहब्बत अम्मी जोर से। भाई अमेरिका से लाने की क्या जरूरत है, आप यहीं से ले लेंगे सारे चमचे। क्या हो गया यार, जल्दी समझ नहीं आ रहा मैं क्या। हम कुछ कपड़े वगैरह देख रहे हैं ईद के हिसाब से, तो ये बच्ची उसकी तैयारियां कर रही है। तो भाई आज का प्लान कुछ यूँ है कि न्यू फ्रेश हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और आप आज का वेदर चेक करें माशा से। तभी मैंने कहा आज यहाँ टेरेस से अपना स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि इतना प्यारा वेदर हो रहा है मैं आप लोग बता नहीं सकती माशा से। जितना वेदर इतना टफ हो रहा था ना, जितना सूरज तपा रहा था उतना ही अब सुकून हो गया है वेदर में। शुक्र है तारा का कि मौसम सेट होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अभी का सीन कुछ यूँ है कि मेरे जो तीन अदद बहन भाई हैं ये लोग सब गए हुए हैं बाहर, बकरे वगैरह देख रहे हैं, ये लोग बाहर घूम रहे हैं। समर्स की जो एक खास बात है जिसकी वजह से समर्स पसंद होते हैं, पसंद आते हैं, वो ये है कि मैंगो गाइस फलों का बादशाह। यस द सीजन इज़ हियर कि हम पियेंगे मैंगो का शेक, मैंगो डिलाइट, फुल मतलब मैंगो मैंगो चलने वाला है। तो इसलिए समर्स ना थोड़े प्यारे लगते हैं इस वजह से। ऊपर से जो ऐसा जो मौसम होता है ना, जो ठंडा मौसम हो जाता है समर्स में, ये वाला सीन भी अच्छा लगता है। लेकिन जो धूप होती है ना, बिल्कुल धूप, उसकी वजह से मैं कभी बोल नहीं सकती आई लव समर्स, कभी भी नहीं। विंटर्स मुझे पसंद है, विंटर्स भी पसंद है क्योंकि वो ठंडे रहते हैं, सुकूनदे रहते हैं। इसी तरह स्प्रिंग भी पसंद है, सारे सीजन्स अच्छे होते हैं अपनी जगह पर, बट समर्स बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं। सो आई कांट से दैट आई लव समर्स, बट ये जो सीन होता है ना, इस तरह पीसफुल जो माहौल हो जाता है इसके बाद ना मौसम अच्छा लगने लगता है और काफ़ी गुड वाइब्स आती हैं। तो अभी अपनी मैंगो का शेक रेडी कर रही हैं, साथ ही साथ यहाँ पर अपने कुछ नगेट्स और कुछ समोसे बनाए हैं जो थोड़े बहुत जल गए हैं, बट कोई बात क्योंकि इन्हें गर्मी लग गई, मतलब कुछ भी। तो परिजात बन गए समोसे, आप जाओगे अपनी स्ट्रगल में, आओगे आप परिजात बन, ये सीन है समर्स में। बेस्ट शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का कि मौसम प्यारा हो गया है, अब बस बारिश ही देर रह गई है कराची में स्पेशली। बस बारिश हो जाए तो बस कम्प्लीट हो जाएगा वेदर, जानवर ज़्यादा बीमार ना हो एक ये चीज़ है, बाकी तो हो जाए थोड़ी सी बारिश हल्की थोड़ी। ये गाइस ये हो गया शेक रेडी। अम्मी ऊपर से झाग क्यों आ रहे हैं? मैंने दूध चीनी में मिक्स करके डाला है। अच्छा बहुत ही सेटिस्फाइंग लग रहा है। बारिश में भी इधर से कुछ गए, ये है कि शुक्र है हमारे घर में इतना पानी भर गया, घर टूट गया इस हमने शुक्र है, अल्लाह शुक्र है ऐसा कोई मसला नहीं आया। और ये गाइस यहाँ पे अपना जर्नल वगैरह बना रही है क्योंकि पेपर्स खत्म हो गए, बट जर्नल इसे रह गए क्योंकि इसके प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं अभी आके, तो ये बच्ची उसकी तैयारियाँ कर रही है। क्या समझ रही है वो इतनी जल्दी? हाँ हम तो नहीं समझे, तुम्हें समझ रही थी। फिर से वापस के जोन में ला के हमने बिठाया कि नहीं भाई आप तैयारी करो अभी। सो गाइस फाइनली हम सब यहाँ बैठ चुके हैं अपना इवनिंग प्लान करने के लिए। सर भी आ गए गाइस, फिलहाल खाते हुए जाते हैं हम अपने के स्नैक्स और चीज़ वगैरह, और इतने वेदर के साथ इतने प्यारे वेदर के साथ हम इंजॉय कर रहे हैं अपना इवनिंग टाइम जिसमें हमारे साथ है आज मैंगो शेक। बस अब हम निकलने लगे हैं, हम जा रहे हैं ईद की शॉपिंग के लिए मॉल वगैरह, तो बस सब रेडी हो चुके, आप लोग देख सकते हैं मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बाकी सभी जो उतर चुके हैं। तो बस अब हम निकलते हैं, फिर वहाँ पहुँच के आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह। तो स्टे ट्यून रहे हैं क्योंकि ईद की तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। शॉपिंग कैसे खैर कुछ ज़्यादा होती तो नहीं है, बट फिर भी जो होता है छोटा मोटा आप लोगों को पता है, तो बस मैं सब देखते हैं जाके और आप लोगों के साथ दिखाते हैं। सो बस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मॉल, और अब हम लोग को मेन जो लेना है वो शूज़ वगैरह लेने थे, शूज़ नहीं लाइक जो कैजुअल हमारी होती हैं सैंडल्स वगैरह वो सब लेनी है, चप्पलें सैंडल्स वाट एवर। तो अभी हम वो सब देख रहे हैं, लोग वो सब चूज़ कर रहे हैं, गाइस वो सब चूज़ कर रही हैं। कुछ समझ आई? बहुत कुछ समझ में आया। सुना मैंने मोबाइल अपना लोग देखो शूज़ तो ऑलरेडी ले लिए थे, हमारे यहाँ सही लग रही है, अच्छी लग रही है, वाइट गंदी कर देगी, कोई नॉर्मल सी ये भी अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। ये देखो 100 रुपए से कौन सी ठीक लग रही है, तो अच्छी लग रही है मुझे, बोलो कि ये अच्छी लग रही है बस। ये सर्विस सिर्फ और सिर्फ हमारी दो चॉकलेट डन हुई है, एक ये रही एक ट्रॉली में रख दी है। ये देखो ये जो मेरे यहाँ पे चोट लगी
तीन ना मुक्के मारने से वो स्किन बन रही है पास्ता इसका। अल्लाह क्या हो गया यार, जल्दी कर दो। मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूं यार। मैंने भी गाइस बड़ी मशहूर है तो दिल नहीं कर रहा, पता नहीं आप शॉपिंग कर रहे हो तो मेरा दिल नहीं कर रहा। कुछ महंगा बना है? अरे ऐसी तो मारी थी मैं बता के बता। अब्बू देखा मैं ये इस तरह करती हूं, ये फंस गया सी है। क्या हुआ ना भैया? चप्पल छोटी है तो खुद ही कह रहे हैं तुम खुद ही नहीं चूज कर रहे। जो चूज कर रहे हो टेस्ट अच्छा रखो ना भला। ये देखो देखो अम्मी ने कहा कीटो ले लो, कीटो कहीं नहीं मिल रही। ये बोला एयर वाले जूते ये भी नहीं चाहिए, चप्पल बोले चप्पल है। शादी करना जा रहा हूँ मैं गाइस, नखरे तो चेक करो जरा। मेरी भी हो गई ये डन, दो ले लिए मैंने गाइस। लेकिन मुझे एक चीज पता है कि का प्यार में कोने के यार खजानी फर्स्ट और लास्ट इसलिए कोने की है नहीं जानी सारे भाई और सिमरा पे ये चारों हैं बीच में और हम दोनों हैं कोने के। ठीक शुरू मुझ पे हो रहा है खत्म इस पे हो रहा है। ये ब्लैक तो मेरा अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लगेगा अभी अच्छा लगेगा। चप्पलें जो भी लो दोनों पैरों की पहन के चल के देखना, कंफर्टेबल हो तभी डन करना ठीक है अबू जी। हाँ वरना बाद में फिर होते हैं नाटक के, टाइट हो रही है, लूज हो रही है, चुभ रही है। तो अब वो भी इस चीज़ पे बहुत फोकस करते हैं, एक तो जो पसंद आ रही है वो वाली लो और दूसरा ये कि कंफर्टेबल फील हो। चल के चेक करो, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चल के चेक करो वहाँ से, चल कर आओ। ये भी कहते हैं जो लग रहा था क्या ये लेडीज जॉगर, लेडीज जॉगर है सॉरी लेडीज जॉगर। मैं तो लेडीज ना जेंट्स हूं, मैं तो बच्चा हूं। अल्लाह अच्छा ठीक है समझ गया सही है। परफेक्ट डन कर दो सारे फजल के प्रेडिक्शंस नहीं करूं। अरे मेरी प्रेडिक्शंस सही है, उन्होंने कहा ब्लैक नहीं लूंगी एंड में, मुझे पता था ब्लैक पसंद आई, मैंने कहा ब्लैक पसंद आएगी एंड में आई ब्लैक ही पसंद। अभी देखना वो से आ गई, वो से आ गई पिंक वाली चप्पल ले गई, वो से आ गई टाइट हो गई नहीं नहीं भाई ज्यादा अच्छा लग रहा है। कितनी हो गई सारी अभी देखना, अभी मुझे होता है ना कि बारिश होने वाली बारिश होने वाली, लेकिन बारिश नहीं होती। बहुत सच्ची है जो बोल रही है ना, अब वो होने वाला अभी देखना। वाइट अच्छी है, वाइट में सीन था कि मेरे भी थोड़ा काम निकल जाएगा। मेरा ड्रेस ऐसा है कुछ वाइट सा है ना, तो मैं भी पहन सकता हूँ। बहुत तेज हो रहा है सब। हम कुछ कपड़े वगैरह देखने ईद के हिसाब से, तो खैर की समझ तो कुछ खास आ नहीं रहा है, बट स्टिल वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समथिंग गुड। ये नाइट ड्रेसेस के पीछे पड़ी हुई है अम्मी से, वहाँ ये लोग चूज़ कर रहे हैं कोई ड्रेस इन्हें शायद पसंद आया है। आप देख सकते हैं कुछ भी समझ नहीं आ रहा गाइस इन लोगों को इन कपड़ों में से, ये देखें आप। खैर मुझे भी कुछ खास तो लग नहीं रहा, कोई खास कलेक्शन नहीं लग रही गाइस। हमें कौन मिला है यहाँ पे शॉपिंग करते करते, मोहब्बत इतनी खत्म ही नहीं चेक कर है। हाय हम हमारे सब्सक्राइबर सब आए हुए, हमारी खाला भी आई हुई सब आए हुए हैं। तो गाइस ये देखें, और कोई अमेरिका से भी लेके आया ये चम्मच। मैं अमेरिका में भी देखे थे ग्रोसरी वगैरह पर, यहाँ भी देखें, लेकिन ये देखें हमारे कराची में ऐसे चमचे मिल रहे हैं। ये देखें ऐसी गोल्डन भाई, गोल्डन गोल्ड के चम्मच, सब तरीके के चम्मच कराची में मिल रहे हैं भाई। अमेरिका से लाने की क्या जरूरत है, आप यहीं से ले रहे हैं सारे चमचे, सब मिलते हैं यहाँ पे। ये रहे गाइस ये रहे चिमटे वगैरह गोल्ड के, सोने के चम्मच, ये सोना थोड़ा पुराना है। गाइस ये सारे बच्चे एक जगह जमा हो चुके हैं और यहाँ ट्रेन बन चुकी है ट्रॉलीज की। वहाँ के एयर्स ठीक है, अब प्यारी लग रही हो आप इससे। ये लोग गाइस यहाँ ये दोनों फिर लग गई औरतें, जहाँ औरतें मिलती हैं वहाँ पर शॉपिंग बढ़ जाती है। ये लोग यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग भी हमें ज्वाइन करेंगे अभी थोड़ी देर में। नते मुरादे करी अम्मी से कि ये अम्मी दिला दें इसे। गाइस यहाँ बहुत ऊपर आ चुके हैं, अब यहाँ सब बच्चे गुम हो गए हैं, अपनी अपनी जगह में चले गए हैं। मतलब बस प्ले लाइन पे हम लोगों को चाहिए होता है कि कहाँ जाएँ कहाँ जाएँ, कौन से झूले पे बैठें कौन से पे नहीं। ये दो बच्चियों को मैं लेकर आई हूँ, ये दो बच्चियाँ बैठ चुकी हैं ऑलरेडी। ये देखें बगैर कार्ड लगे दोनों झूल रहे हैं। ये रहे आधे बच्चे, अम्मी भी बच्ची बनी हुई है यहाँ पे गाइस।
रहे हो, मच्छी पकड़ रहे हो हैं? क्या बात है सर, गाइस लिटरली मेरे कामों में ना बहुत दर्द हो रहा है। नॉर्मली नहीं होता लेकिन अभी काम में बहुत दर्द हो रहा है। इतना ठंडी से मुझे चला नहीं जा रहा। मैं देख रहा हूँ, मैं सुकून से बैठी हूँ तो मैं यहाँ बैठ चुकी हूँ। एक जिन्होंने सामान है लोगों ने मेरे पास रखवा दिया है और हमने एक अम्ब्रेला भी लिया गाइस। और ये किसी स्पेशल चीज़ के लिए हमने, और वो क्या है वो जब इंशाल्लाह वीडियो बनेगी आएगी तब आपको पता चल जाएगा कि स्पेशली है किस चीज़ के लिए अम्ब्रेला। तो ये ढूंढ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप हमारे। वाह भाई वाह, हमें हट जाओ पीछे। अच्छा अब मैं करूँगी, मैं देखना इस बार मैं सही से करूँगी। किन सभी के बारे में ये बाबूराव का स्टाइल है। हो गया हो गया हो गया, 10 सेकंड मिले। ऐसा मैं बैठ चुकी हूँ बाइक के ऊपर, चलाऊंगी बाइक काफी अच्छे बात है। तभी यहाँ किसाई बैठ चुकी है गाड़ी बाइक चलाने। मैं तो गैस मैंने तो ज़्यादा खेला था, मैं नाइन प्लेस पे आई थी, मैं 9th रैंक किया था। बहुत ही घटिया गाड़ी चली बाइक, बहुत घटिया बाइक। चलो करो इसे, छोड़ छोड़ के करो ना, छोड़ छोड़ के। कल तक पहुँचोगी तुम, स्पीड तेज। अब तुम सीधे भगा लेना, मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा था तुम बालों की तरह चलाए। हैवी ड्राइवर बैठी हुई है, बात नंबर पे आई हूँ। मैं भी इसी पे आई थी बहन, यार ना बाइक बहुत स्लो चल रही थी। झूठ बोल रहा है। आप तो हैंडल फिर भी मैंने खेल लिया, तुम्हारा क्या है? फर्स्ट पे आई हूँ बेटा, फर्स्ट आई हूँ। हाँ सारे थर्ड आया, ओ बाकी का फर्स्ट आई हूँ। था फर्स्ट 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 खत्म। गजब बेइज्जती है, गेट नहीं खुल रहा, छतरी बंद आ खुल गया। स्लो चल रहा है, डोर इज वेरी स्लो मोशन। इतना स्लो स्पीड में गेट खुलेगा तो कुछ टकरा जाएगा इससे। फुल शॉपिंग करके आपकी मैडम आ चुकी हैं बाहर की तरफ, बाइक वगैरह चला के। मैंने भी यार ये शायद दरवाजा इतना स्लो क्यों खुला था पता नहीं, ऐसे तो कोई जल्दी में आ रहा होगा तो टकरा जाएगा इससे। गाइस आ जाइए, फिर बड़ा मजा आया। हमारा आज भी मेहनत मजदूरी करके जा रहे हैं, हम सब जगह बंद करवा के निकलते हैं। वैसे लकी वन में भी हम बहुत लेट निकले थे और अभी यहाँ पे भी। ये रास्ता दिखाने लायक नहीं है गाइस, फंटेशिया बहुत ही खराब है, इन लोगों को करना चाहिए ठीक। ना इनका झूले ठीक है, ना इनका गेट ठीक है। अभी हमारे इंतजार का हाथ आ जाता वो तो मेरी वजह से बच गया। मेरे बच्चे शांत शांत हो जा, मेरे बच्चे ठीक नहीं है इसलिए बता रहे हैं ताकि इम्प्रूवमेंट हो जाए। इम्प्रूवमेंट हो जाएगी तो अच्छा है ना। इवनिंग शिफ्ट में जो स्कूल होता है ना,
फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं, मॉल से निकलने के बाद हम लोग गए थे अपने नानी के घर पे, वहां पे जाके हम लोगों ने थोड़ा खाना वाना ठूसा, उसके बाद हम आ गए अपने घर पे और वेल्स दैट्स इट फॉर द डे, यही था मेरा आज का दिन। सो गाइस अभी तो ईद की तैयारियां शुरू हुई हैं, इंशाल्लाह इस तरह चलता रहेगा ये सिलसिला, तो मैं आप लोगों को जरूर सब कुछ दिखाऊंगी। तो साथ जुड़े रहने के लिए करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, फिर डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, फॉलो आवर इंस्टाग्राम अकाउंट्स। विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।